के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्यवाही में 2 और लोगों की मौत हो गई है। ईरानी मानवाधिकार समूह हेंगू के अनुसार सांदांच में सुरक्षा बलों ने उनकी कार में एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य प्रदर्शनकारी को IRCG सुरक्षा बलों ने पेट में गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। वहीं शख्स के एक स्कूल में 2 शिक्षकों को घायल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संदांच और संकेच के स्कूलों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, फिर वहीं सरकारी बलों ने शख्स के एक स्कूल पर हमला शुरू कर दिया। ईरान के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और संदांच और संकेच के कुर्द शहरों में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि 3 सप्ताह पहले हिजाब विवाद के चलते एक ईरानी कुर्द महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। खास तौर पर अमीनी के गृह नगर साकेच में विरोध प्रदर्शनों का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं हेंगू ने कहा कि साकेच, दीवांडारे, महाबाद और संदांच में मानवाधिकारों पर व्यापक हमले हो रहे हैं।